हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में गमराज का मल्टी स्टार और विशेषांक आ मौत मुझे मार का दूसरा भाग, और यह ठेका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तो जैसा एक भी शैतान जिंदा है। ओह, इस पर भी गोलियों का कोई असर नहीं। मुझे तो हमेशा जिंदा रहना है, मरने के लिए तो तू तैयार हो जा। डोगा तो हमेशा ही मरने के लिए तैयार है, लेकिन किसी माई ने ऐसा लाली पैदा नहीं किया जो डोगा को मार सके। और वैसे भी तू इन हाथों के बल पर डोगा को मारने की बात कर रहा है ना, भाग। अभी तेरे धड़ से उखड़ जाते हैं ये तेरे हाथ। उफ, सिर्फ हाथ ही नहीं, तुझे मारने के लिए मेरे पास ये गर्दन भी है और ये टांगे भी है। धाड़, इसके हाथों के साथ साथ इसके सिर और टांग भी रबड़ की तरह बढ़कर मुझ पर वार कर रहे हैं। आप ये मुझ तक ना पहुंच पाएं, इसके लिए मुझे इसके हाथ और पांव की हड्डियों को तोड़ लाऊंगा। हड्डियों के टूटने से इसके हाथ पांव लटक जाएंगे और मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके हाथ पांव तो रबड़ की तरह मुड़ गए, इनमें तो हड्डियां है ही नहीं। मेरी हड्डियों को तोड़ने की बेकार कोशिश कर रहा है, क्योंकि गमराज नाम के लड़के ने मेरी हड्डियों को पहले से ही तोड़ रखा है। इसलिए मेरा शरीर ऐसा बना हुआ है कि वह लंबा होकर कहीं भी पहुँच जाता है और कैसे भी अपने दुश्मनों की ठगाई करता है। अगर ऐसा है तो मेरे पास इसका भी इलाज है। मैं तेरे हाथ पांव को इकट्ठा करके इन्हें एक दूसरे से कसकर बांध कर उसे फुटबॉल बना देता हूँ। और अब तुझे बताता हूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में रिवाल्डो बॉल को कैसे हिट करता था। डोगा ने जिस पासे को पलटा था वह अगले ही क्षण एक बार फिर पलट गया। थाक, माना कि तूने मुझे फुटबॉल बना दिया, लेकिन ना तो तू रिवाल्डो है और ना ये फुटबॉल का मैदान। यह मुंबई है जहाँ ऐसी सैकड़ों दीवारें मौजूद हैं जिनसे टकराकर फुटबॉल वापस आ सकती है। ऐसी जगह पर रिवाल्डो हो या रेनाल्डो, सभी का ऐसे ही बाजा बज जाता है जैसे तेरा बज रहा है। भाग, मेरा यह तरीका भी मुझ पर ही भारी पड़ा। इसे हल्का करना पड़ेगा, इसके वजन को ज़मीन से उठाकर, और इसके लिए मुझे अपने सारे बारूद को इकट्ठा करके उसे उस जगह रखना होगा जहाँ यह फुटबॉल रूपी शैतान आकर गिरेगा। बारूद का ढेर लगा दिया था डोगा ने, और बारूद के उस ढेर से टकराने का अंजाम ये होना ही था। लंजू पंजू के चीथड़े उड़ गए। चीथड़े तो उड़ नहीं थे, डोगा नाम के बारूद से टकराया था वह। डोगा की आंखों में लंजू पंजू को ख़त्म करने की चमक अगले ही पल गायब हो गई। यह क्या हो रहा है? लंजू पंजू के बिखरे शरीर के चीथड़े तो एक दूसरे की तरफ लहरा कर जोड़ रहे हैं। हेलो डोगा प्यारे, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छे तो हो ना? अब अच्छे रहेंगे नहीं। भाग, इसके तो फिर से चीथड़े उड़ाने होंगे। कोई फ़ायदा नहीं, यह फिर जुड़ जाएगा। फिर खत्म करोगे तो फिर जुड़ जाएगा। घबराज तुम? हाँ डोगा भाई, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि ये नहीं मरने वाला, क्योंकि जिसने इसे मारना है वह तो खुद लापता है। मतलब? मेरे साथ चलो, मतलब समझा दूंगा, लेकिन चलने से पहले अपनी विसिल बजाकर सारी मुंबई के कुत्तों को याद बुला लूँ ताकि वे इस पर झपटते रहें, और जब तक हम इसका कोई हल ना ढूंढ लें तब तक ये उनमें ही उलझा रहे। डोगा की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे घबराज की आवाज़ में दम नज़र आया। तभी तो तुम्हारी कुत्ता फौज आ रही है, आओ अब हम यहाँ से चलते हैं। इसी बीच दिल्ली में ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो कहीं म्यूजिक बजता नहीं दिखाई दे रहा, फिर तुम डांस क्यों कर रहे हो? अबे आंखों वाले अंधे, हम तुम्हें डांस करते दिखाई दे रहे हैं, दिख नहीं रहा हम खुजा रहे हैं? खुजली कर करके हमारा बुरा हाल है। कमाल है, इतने सारे लोगों को एक साथ खुजली कैसे हो सकती है? इन खुजली बमों से, जिनसे पिद्दी सारे शहर को खुजली का रोगी बना देगा। सपने तेरे बहुत बड़े हैं, लेकिन तेरे पास उन सपनों को पूरा करने वाला शरीर नहीं है। प्रबोध ने मुझे सूचना दी थी कि कोई 2 फुट का आदमी शहर में खतरनाक खुजली फैला रहा है। अब मुझे इससे पूछना है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है? उफ, थाक। सपने पूरे करने के लिए बड़े शरीर की नहीं बड़े इरादों की ज़रूरत होती है, और इरादे मेरे बहुत बड़े हैं। थाक, मान गए पित्ती भैया, तेरे इरादे बहुत बड़े हैं लेकिन नेक नहीं है, और जो इरादे नेक ना हो परमाणु ने पूरा नहीं होने देता। ये चमकीली रस्सियाँ मुझे कैद नहीं कर सकती। ये देख, ओ नो, ये तो और भी छोटा होकर मेरी रस्सी के फंदे से निकल गया, लेकिन ऐसा करके इसने अपना ही नुकसान किया है। मैं इसे अपने बाहू में कैद कर लेता हूँ, अब यहाँ से कैसे निकलेगा शैतान? वैसे ही जैसे पहले निकला था, छोटा होकर। ओह, ये तो और भी छोटा हो गया, होकर मेरी बाहों से निकल गया। तू मुझे जितनी बार कैद करेगा मैं उतनी बार छोटा होकर बसता चला जाऊंगा, और तेरी धुनाई करने के साथ साथ लोगों पर अपने खुजली बम फेंकता चला जाऊंगा। उफ, ये छोटे से छोटा होकर मेरी हर पकड़ से बचकर लोगों पर अपने अद्भुत वार कर रहा है,
इसे जल्दी से काबू में करने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो खुजली बमों की चपेट में सारा शहर आ जाएगा। एक मिनट, मुझे इसे और छोटा होने के लिए मजबूर करना होगा। एक बार फिर परमाणु ने पिद्दी को अपने परमाणु रस्सी में फंसाया। एक बार फिर पिद्दी छोटा होकर बच निकला। एक बार फिर वही हुआ, और अब इस बार छोटा होकर तेरे फंदे से, मेरे फंदे से निकलकर तूने बड़ी गलती की है पिद्दी प्यारे, क्योंकि इस बार बचने के चक्कर में तू इतना छोटा हो गया है कि मैं तुझे आसानी से वैक्यूम क्लीनर में खींच सकता हूँ, उफ। और अब तू चाहे जितना मर्जी छोटा हो ले, लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल सकता। आह, सही कहा तूने परमाणु, मैं छोटा होकर इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। बाहर तो मुझे निकलना ही है, इसलिए मैं बड़ा हो जाता हूँ। यह पल परमाणु के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला था, हैरत से उसकी आगे फाड़ देने वाला था। मुझे छोटे रूप में बहुत तंग किया तूने, अब तेरा क्या ख्याल है? बोल, अब तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? उफ, पहले जिसे मैं अपनी भावों में जकड़ सकता था वह इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे किसी बॉल की तरह दीवार पर फेंक मारा है, और इसी के साथ ही इसके हाथों से निकलने वाले खुजली के छोटे गोले भी बड़े हो गए, बिल्कुल तोप के गोलों की तरह। उफ, अब देखता हूँ तू मेरे इन खुजली गोलों से कब तक बचता है। इसके खुजली गोले सचमुच बहुत खतरनाक हैं। माना मैं अपनी शक्तियों से इनसे अधिक देर तक बचा रह सकता हूँ, लेकिन इन बेचारे शहरवासियों का क्या होगा? ये तो इसके खुजली बमों की चपेट में आकर खुजा खुजा कर पागल हुए जा रहे हैं। फाक! मुझे लोगों की इस भयानक मुसीबत से बचाना होगा, और इसके लिए इसे ठिकाने लगाना होगा। ओह, परमाणु रस्सियों और परमाणु छलनों का इस पर कोई असर नहीं। एक दूसरा रास्ता मेरे सामने है, लोहा पिघलाने वाली उस भट्टी के रूप में, और इसके लिए मुझे सिर्फ नाम के उस पिद्दी को उठाकर उस भट्टी तक ले जाना होगा। और चूंकि परमाणु रस्सियों में उसे लपेटकर वहां तक ले जाना संभव नहीं, इसलिए मुझे खुद अपने हाथों से उसे उठाकर भट्टी तक ले जाना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इस बात का इंतजाम करना है कि वो मुझे अपनी खुजली गोलों का शिकार न बना पाए, और ऐसा करने के लिए मेरी परमाणु रस्सी एकदम ठीक रहेगी। ये मेरे शरीर से ऐसे लिपट जाएगी कि अब हवा भी मेरे शरीर तक नहीं पहुँच सकती। खुद को पूरी तरह सुरक्षित करके परमाणु लहराया। अगले ही क्षण परमाणु ने पिद्दी को ऐसे अपने हाथों में फंसाया जैसे बाज मांस को फंसाता हो, और फिर एक क्षण बाद ही भट्टी में मौजूद पानी की तरह पिघले लोहे ने पिद्दी को एक क्षण में ही कंकाल में बदल दिया। लेकिन अफसोस, पिघले लोहे का ताप उसे लाश में ना बदल सका। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, फर्नेस में पिद्दी कंकाल के रूप में जिंदा है। हाँ, और मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरी मौत अभी नहीं लिखी, जबकि तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी हुई है। मैं बाहर आकर तुझे वो मौत जरूर दूंगा। ओह, बाहर आकर क्या लड्डू लेगा? तू वहीं रह, क्योंकि तू वहीं अच्छा लग रहा है, और तुझे वहीं रखने का सबसे अच्छा तरीका है भट्टी में मौजूद पिघले लोहे को इस यमुना टैंकर में भरे अत्यधिक ठंडे पानी से ठंडा करके ठोस लोहे में बदल दिया जाए। गमराज, दिल्ली में? हाँ परमाणु, इस शैतान से फिलहाल छुटकारा पाने का यही तरीका था, इसलिए जब मैंने इसे पिघले लोहे की भट्टी में पड़े देखा तो मैं तुरंत ही यमुंडा को बड़े टैंकर गाड़ी का रूप देकर और पास ही मौजूद बर्फ खाने से ठंडा पानी भरकर यहाँ पहुँचा, और मैं भी इसके साथ हूँ। डोगा, तुम भी यहाँ? मामला क्या है? बताऊँगा, पहले यहाँ से चलो। लेकिन भट्टी में ठोस हो चुके लोहे में मौजूद पिद्दी के उस कंकाल का क्या होगा? उसका जो हो गया उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल उसका आतंक समाप्त हो गया। उसका आतंक तो समाप्त हो गया था, लेकिन एक अनोखी घटना तो घट रही थी दिल्ली के पास ही स्थित राजनगर में। मिस्टर फिक्स चाहे तो हवा को भी पिचका सकता है, तुम्हारी तौकात क्या है? बचो, भागो, ना भाग सकोगे और ना बच सकोगे। मिस्टर फिक्स इस सारे शहर को ऐसे चिपका डालेगा जैसे मरी हुई मक्खी दीवार पर चिपकती है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे चिपकेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये छूटने के चक्कर में चिल्लाएंगे और पुकारेंगे, मम्मी। नहीं, इस शहर में हर बेगुनाह पुकारता है थ्रो, क्योंकि यह शहर सुपर कमांडो ध्रुव का है और ध्रुव के साथ चंडिका रहती है। यह बात तो सारी दुनिया जानती है। था ध्रुव या चंडिका, जो भी मिस्टर फिक के सामने आएगा चिपक कर रह जाएगा। ध्रुव, बचो, तुम्हारा ध्यान किधर है? यहां से गुजरते समय समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि हमें तुरंत ही चंडकाल जैसी ऐसी महामुसीबत से निपटने के लिए महानगर पहुंचना था, जिसके कारण सारी पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कहना तो तुम्हारा ठीक है ध्रुव, लेकिन आंखों के सामने होती इस वारदात से मुंह मोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे हम। अब जल्दी से इससे निपटने का कोई उपाय सोचो ताकि हम महानगर की तरफ रवाना हो सकें। इसकी चिंता छोड़कर तुम दोनों महानगर के लिए तुरंत रवाना हो सकते हो ध्रुव, और चंडिका इससे मैं निपट लूँगा। इंस्पेक्टर स्टील के रूप में शहर का एक और रखवाला यहाँ पहुँच चुका था।
अब यहाँ ठहर कर अपना टाइम खराब करना बेकार है चंडिका, आओ हम यहाँ से चलते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों कर रहा है मेरा टाइम वेस्ट, चल चिपक जा। ओ वेरी स्टिकी केमिकल, यू आर इन ट्रबल। तूने मेरे शरीर के ऊपरी स्टील को ही चिपकाया है जिसे मैं आसानी से अपने शरीर से अलग कर सकता हूँ। थाक, इस बार तू अपने शरीर के हिस्सों को अलग करके नहीं बच सकता, मेरी टेप तुझे मम्मी बना देगी। इससे भी बचने का तरीका है मेरे पास, मेगा गन के रूप में। पंच, खच, खच। ये टेप मुझ तक नहीं पहुंचने वाले, इन्हें फेंकना बंद करके खुद को मेरे हवाले कर दे। वार्निंग मोड। तुझे तो मैं कबाड़ घर के हवाले करूंगा। अटैकिंग मोड। शियो। ओ तूने तो मेरे शरीर में छेद कर दिया, खटाक। इसमें तो हवा अपने आने जाने का रास्ता बना लेगी, ये तो बहुत बुरा होगा, इसलिए पहले इस छेद को भरता हूँ और अब इसका इंतजाम करता हूँ कि तेरी ये गन और गोले ना छोड़ पाए। प्रॉब्लम इन मेगा गन। ओह, चेक इन इमीडिएटली। इंस्पेक्टर स्टील का ध्यान एक पल के लिए गन में पट गया। उसी पल एक्टिव रहने के लिए तेरा शरीर जोड़ों और मोड़ों का मोहताज है। अपने तरल गोंद से मैं तेरे जोड़ों और मोड़ों को जाम करके तुझे हिलने डुलने से मोहताज कर देता हूँ। ओह मेरे जोड़ों में चले गए गोंद ने तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे अपने हाथ पांव को हिलाते रहना होगा, नहीं तो मैं पूरी तरह जाम हो जाऊंगा। ओह हा हा हा, तेरे सारे जोड़ जाम हो चुके हैं। अब मैं तुझे गोंद कैसे पहाड़ के नीचे दबाऊंगा कि तुझे बनाने वाला 7 जन्म तक भी तुझे नीचे उसके नीचे से नहीं निकाल पाएगा। अरे ये इंस्पेक्टर स्टील को मेरे सामने से किसने उठा लिया? यमंडा कॉप्टर ने। लेकिन अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो अभी इंस्पेक्टर स्टील को वापस नीचे छोड़ देते हैं। ये ले। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यामुंडा जरा भैंसा बनकर इसे अपनी टक्कर का मजा तो चखा, लेकिन जरा दूर से कहिए तुझे भी चिपका ना दे। अरे अबे ये क्या किया, बीच हवा में ही हेलीकॉप्टर से भैंसा बन गया, हमें नीचे तो उतार देता। आपने हुक्म भी बीच हवा में दे दिया स्वामी, खैर मैं फिर से हेलीकॉप्टर बनकर आप सबको संभालता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम मिस्टर फिक्स को संभालो। उसके पास जाए बना, यानी दूर से उसे अपनी जोरदार टक्कर का मजा चखाने के लिए यह आइडिया एकदम ठीक है। फाक! गमराज ने तुरंत ही मिस्टर फिक्स की गन संभाली और गोंद के पहाड़ के नीचे अब तू खुद ही कैद होगा। अब ठीक है, अब ये ना इस गोंद के पहाड़ से बाहर आ पाएगा और ना इस शहर को जमा देने वाले अपने कारनामों को ही अंजाम देगा। आओ अब इंस्पेक्टर स्टील के ऊपर से गोंद हटाकर उसे सामान्य करते हैं। सामान्य होते ही इंस्पेक्टर स्टील ने कई सवाल दागे। तुम सब यहाँ कैसे, और ये कौन था जो ख़त्म नहीं हो रहा था? तुम्हारी तरह ही हम सबके मस्तिष्क में भी ऐसे ही सवाल मंडरा रहे हैं, और इन सब सवालों के जवाब गमराज के पास मौजूद हैं और गमराज वो जवाब समय आने पर देगा। लेकिन वह समय पता नहीं कब आएगा, उसके चक्कर में गमराज मुझे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ राजनगर ले आया है। वह समय आ गया है दोस्तों, अब मैं तुम सबको बताता हूँ कि सारा मामला क्या है। इधर गमराज सभी को सारा मामला समझा रहा था और इधर हमने अपनी शक्तियों से जितने भी सुपर विलेन तैयार करके देश के अलग अलग कोनों में काम करने के लिए भेजे थे, उन्हें गमराज डोगा परमाणु इंस्पेक्टर स्टील ने एकदम बेकार कर दिया है। इस तरह तो हमारे काम में बहुत देरी हो जाएगी। इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ताकत है, हम दूसरे विलेन तैयार कर लेते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। गमराज डोगा परमाणु इंस्पेक्टर स्टील उन सबको भी बेकार कर देंगे, और अब तो वे सभी इकट्ठा भी हो गए हैं, चारों मिलकर हमारे बनाए हज़ारों विलेनों पर भारी पड़ सकते हैं। सॉरी, तो फिर क्या करें, हमें कोई ऐसा विलेन बनाना होगा जो उन सभी को अपना निशाना बनाए और उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर डाले। ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ सभी आने वाले खतरे से एकदम अनजान थे। तुम जो कह रहे हो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो गया है। पिताश्री यमराज का यमलोक से अपहरण हो गया है, इसी वजह से धरती पर कोई मर नहीं रहा। सबूत तुम सब अपनी आँखों से देख ही चुके हो। लेकिन यह सब हुआ क्यों? यमराज का अपहरण किसने और क्यों किया? पिताश्री का अपहरण असुरों ने किया, वे मृत्यु को रोक देना चाहते हैं कि ताकि पापियों के दिल से मौत का डर खत्म हो जाए और असुर मनचाहे ढंग से उनके द्वारा पाप फैलाकर तीनों लोगों पर राज करने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ा लें। ओह, असुरों का प्लान तो सच में बहुत ही खतरनाक है। हाँ, लेकिन हम उनके प्लान को ध्वस्त करके ना सिर्फ धरती को बल्कि सारे ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। कैसे? पिताश्री यमराज की खोज करके, जिन्हें असुरों ने धरती पर ही कहीं छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यमराज को कहाँ छिपा कर रखा गया? इतनी बड़ी धरती पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए ही तो मैं तुम सबकी मदद लेना चाहता हूँ। ओ अरे, ये गुरु का पिछवाड़ा किसने तोड़ दिया? गमराज को टक्कर जड़ने वाले
ने सभी को हैरत में डाल दिया। ओ ये क्या है, टैंक किसानों की तरह चलता फिरता, लेकिन आम टैंकों से ज़्यादा खतरनाक, तर 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 बचना इससे, यह मैं ख़त्म करने आया है। खुद ख़त्म होकर जाएगा, सभी ने अपने अपने वार कर दिए, लेकिन उस चलते फिरते टैंक पर ना डोका का बारूद कोई खरोच डाल पाया, न परमाणु के परमाणु छल्ले उसका बाल बाका कर पाए। ना इंस्पेक्टर स्टील के मिनी रॉकेट उसका कुछ बिगाड़ पाए और ना गमराज के बार से ही उसे कुछ हुआ, जबकि उसके एक ही बार ने डोगा को भी उछाल दिया, परमाणु के भी होश गुल कर दिए, इंस्पेक्टर स्टील को भी चारों खाने चित कर दिया। अब उनके हाथों में थमे हथियारों की बारी थी। तर 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 तर, ओह हमारे हथियार नष्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हमारे असली हथियार हमारी हिम्मत है, उसी के बल पर हम इसे चित कर डालेंगे। थार थार, वाह डोगा और इंस्पेक्टर स्टील, इसे लड़खड़ाने के लिए मजबूर करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं इसे यहाँ से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ाने का काम करता हूँ। परमाणु उसे लेकर ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाया, चलते फिरते टैंक के साथ परकटे पक्षी की तरह लहरा कर नीचे आ गिरा। वह धाम, उफ, इसने मेरी बेल्ट को मेरे शरीर से अलग करके दूर फेंक दिया। अब मैं ना उड़ सकता हूँ और ना ही अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करके इस शिकंजे से बच सकता हूँ जिसने मेरे शरीर को कसकर जकड़ लिया। अब तो इससे बचने का मेरे पास एक ही तरीका है, अपनी जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत तो डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की भी उस टैंक के सामने बेकार होने जा रही थी। उफ उफ, परमाणु के साथ ही डोगा और इंस्पेक्टर स्टील भी उसके शिकंजों में फंस गए थे और उनकी ताकत उनका साथ नहीं दे पा रही थी। ओह बहुत ही अजीब शक्तियों का मालिक है ये चलता फिरता टैंक। इसके शिकंजों में फंसे ताकतवर डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील छूटने के लिए बुरी तरह झटपटा रहे हैं। अब मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, उन तीनों को छुड़ाने के लिए मुझे पुकार नहीं होगा। यामुंडा, एक बहुत बड़ा टैंक बनकर इसे एक जोरदार टक्कर जड़। अभी लो स्वामी, यामुंडा ने एक विशाल टैंक का रूप तो धरा लेकिन टक्कर जड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। क्या हुआ यामुंडा, तू टक्कर जड़ने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता? मैं जीतोड़ प्रयत्न कर रहा हूँ स्वामी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है मुझे, उस टैंक को टक्कर मारने के विचार से ही मेरा शरीर जड़ सा हो गया है, लेकिन मेरा शरीर सही सलामत है, मैं जड़ता हूँ इसके टक्कर। आ, मुझे शंका है गुरु का कंधा टूट गया होगा। आओ परमाणु, टोगा, इंस्पेक्टर स्टील के साथ गुरु भी उसके शिकंजे में जकड़ गए। यामुंडा कुछ कर वरना सभी का बोलो राम हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओह ऐसा है तो उन सभी को कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगी इन्हें। शक्ति था, पहले अपनी ऊष्मा के तीव्र ताप से इन चारों को इस चलते फिरते टैंक के शिकंजों से आज़ाद कराती हूँ और फिर अपनी ऊष्मा के ताप को और अधिक बढ़ाकर इसे मोम की तरह पिघला देती हूँ। शक्ति के तेज दिव्य ताप ने उस चलते फिरते टैंक को पिघलाना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण जो सामने था वह सभी की आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने वाला था। ओह ये क्या, चलता फिरता टैंक तो असल में एक आवरण था। ओह नो, जो एक दो पैरों पर खड़े भैंसे के शरीर पर मौजूद था। ये भैंसा कोई साधारण भैंसा नहीं है, ये तो वृषभराज है, यमुंडा का पिता और पिताश्री यमराज का वाहन। पिताश्री के साथ इसका भी अपहरण हो गया था, तभी यमुंडा का शरीर इस पर वार करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी सभी चकित खड़े थे कि वृषभराज ने सभी को अपनी जोरदार टक्कर से उछाला और तूफान की गति को मात करता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। पिताश्री, अपने इस बालक को अनाथ छोड़कर कहां भागे जा रहे हो? रुकिए, मैं भी आया। शक्ति, संभालो अपने आप को और अपनी प्रकाश की गति का प्रयोग करके वृषभराज का पीछा करो, क्योंकि वृषभराज जहां भी जाएगा पिताश्री वहीं होंगे। उफ, शक्ति को संभालने में कई मिनट लगे। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे गमराज? हाँ कह तो रहा था, लेकिन तुमने संभलने में इतनी देर लगा दी कि अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तक तो वृषभराज कहीं का कहीं निकल गया होगा और उसके निकलने के साथ ही पिताश्री को ढूंढने का एक मौका भी हमारे हाथ से निकल बा गया। एक मिनट, शायद नहीं निकला। इसी बीच यहाँ अपनी जिस ताकत पर तुम्हें बहुत अधिक गर्व था वह भी उन सुपर हीरो से पिटकर आ गई। उनसे नहीं, वे साधारण मनुष्य, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो शक्ति नामक दैवीय शक्ति ने भागने के लिए विवश किया है। छोड़ो उसे, अब तुरंत ही अपनी किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करो जो किसी के रोके ना रोक सके। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें ऐसा करने का अवसर नहीं देने वाले। तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? यामुंडा के कारण, यह अपने पिता वृषभराज का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचा था, यही हमें यहाँ लेकर आया है। अब तू सीधी तरह बता दुष्ट कि तू कौन है और पिताश्री कहाँ है। अगर तू वास्तव में यमराज का पुत्र है तो मिल अपने पिताश्री से। यह है तेरे पिताश्री यमराज, अपने भाई विचित्रासुर के बल पर इनका अपहरण करके मैं इसे पृथ्वी पर ले आया था।
और अपने आप को यमराज का पुजारी कहने वाले यमराज को समाप्त करके मैंने इसे यमराज के स्थान पर रहने के लिए विवश कर दिया था और यमराज के पीए मिस्टर एक्स के रूप में मैं असुर पलों का सुर हूँ। पिताश्री, आप इस दुष्ट के झांसे में कहाँ से आ गए? उतार फेंकिए ये यमराज का वेश और इस दुष्ट को समाप्त कर डालिए। हा 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 हा, तेरे इस तरह गिड़गड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने यमराज की स्मरण शक्ति उसके इस मृत्युपाश में कैद करके अपने पास सुरक्षित रख रखी है। जब तक ये स्मरण शक्ति मुक्त नहीं होगी तब तक ना यमराज स्वयं को पहचानेंगे और ना किसी अन्य को। यमराज मात्र मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य हैं और इसका प्रमाण मैं तुझे अभी देता हूँ। समाप्त कर डालो इन सबको। यमराज तो सचमुच उसके इशारे पर नाच रहे हैं। वृषभराज का भी यही हाल है। जब आप ही हमला करो, हमारे वारों से उनका कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं, लेकिन क्या पता इस तरह उनकी याददाश्त वापस आ जाए। तर 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 तर। इस तरह यमराज की याददाश्त वापस नहीं आने वाली। उसके लिए तो पलोकासुर के हाथ में थमे मृत्युपाश में फंसी यमराज की याददाश्त को मुक्त कराना होगा। मैं देखता हूँ उस कमीने को। नहीं, वह असुरी शक्ति है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम बाकियों के साथ यमराज को देखो, इसे मैं देखती हूँ। ठाक, हा हा हा, मुझसे यमराज की स्मरण शक्ति छीनना चाहती है? तू ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन तूने उसके लिए प्रयत्न करके मुझे बता दिया है कि अब मैं यमराज को मानसिक संकेत भेजकर तुरंत ही तुम सभी को समाप्त करने का आदेश दूं, नहीं तो तुम सब मेरे लिए भारी मुसीबत बन जाओगे। पलोकासुर का मानसिक संकेत जैसे ही यमराज के मस्तिष्क तक पहुंचा, वैसे ही चुम आ चुम चुम आ ओ। नहीं, डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, शंकालू, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। इनसे अब कुछ भी कहना व्यर्थ है, ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और चूंकि इन सभी के प्राणों को स्वयं यमराज ने हरा है, इसलिए इनके जीवित रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब यमराज के हाथों मरने की बारी तेरी है। रही है दैवी शक्ति, ऐसा तो मैं स्वयं अपने हाथों से चींटी की तरह मसल दूंगा। उफ, यमराज का सहयोगी होने के कारण मेरे वारिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, जबकि इसके प्रहार मुझ पर अत्यंत भारी पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी मुझे साहस का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रश्न तीनों लोगों की सुरक्षा का है। हालांकि शक्ति को अपनी जीत आसपास भी नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह जुटी थी। जबकि गमराज, आप मुझे मारेंगे पिताश्री? अपने पुत्र को? रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, होश में आइए, पाप का साथ मत दीजिए। ओह, यमराज के उस वार ने गमराज को यह फैसला करने के लिए मजबूर कर दिया। जब आपने अपने हाथों से अपने पुत्र के प्राण लेने और पाप का साथ देने का निर्णय कर ही लिया है, तो फिर ठीक है, मेरा निर्णय भी सुन लीजिए। अब आप जो भी वार मुझ पर करेंगे, मैं उससे बचूंगा नहीं, टकराने दूंगा मैं उन्हें अपने शरीर से, क्योंकि मेरे पिताश्री पाप का साथ दे रहे हैं। ये देखने के बाद मैं जीवित रहना भी नहीं चाहता। आह आह, इधर गमराज की जान जाने वाली थी और इधर शक्ति की। उफ, यमराज के संरक्षण में होने के कारण इस पर मेरे तीसरे नेत्र का प्रकोप भी अप्रभावी है और इसे रोकने का मेरे पास यही एकमात्र उपाय था। उफ, हा हा हा, ओह, वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है और मनाए भी क्यों ना, उसने मुझे मृत्यु के द्वार पर जो पहुँचा दिया है। परंतु मुझ में अभी एक बार करने की शक्ति बाकी है और मैं वह वार करने से चूकूंगी नहीं। ओह, शक्ति ने अपना अंतिम वार किया और शक्ति के उस अंतिम वार ने क्या करिश्मा किया था यह शक्ति भी ना जान पाई थी। ओह, मृत्युपाश पलोकासुर के हाथ से छूट कर नीचे गिर गया था और ठीक यही वह क्षण था जब गमराज के कंठ में से निकली हृदय विदारक चीख यमराज के दिलो दिमाग को चीरती चली गई। ज्वालामुखी सा फट पड़ा यमराज के मस्तिष्क में। अगले ही क्षण एक पिता का मस्तिष्क सभी बंधनों को छीड़ छीड़ करता चला गया। पुत्र गमराज, आह, बेटे की चीखों ने बाप की याददाश्त को मृत्युपाश से आजाद कर दिया था। अब यमराज को सारा मामला समझने में क्या देर लगनी थी। ओह, दुष्ट असुरों ने हमें हमारे ही मृत्युपाश में बंदी बनाकर हमसे ये क्या अनर्थ करवा डाला। कहाँ है दुष्ट पलोकासुर, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह तो अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ था। ओह, यमराज के पुत्र ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर उसकी करोड़ चीखों ने यमराज के मस्तिष्क को कहीं नहीं झकझोर दिया होता तो तीनों लोगों पर हमारा राज हो ही गया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यमराज के हमारे वश में होने के कारण जितने भी पापी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, पलोकासुर वहाँ कहाँ था, वे अब तुरंत ही मृत्यु की गोद में समा गए होंगे। वैसा ही हुआ था, लेकिन इसके साथ एक अनर्थ और भी हो गया था। ये सब पृथ्वी के वो रक्षक है पिताश्री, जो अपने सुख चैन व अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हर समय पाप और अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे।
आज भी ये सभी तीनों लोगों की रक्षा के लिए साक्षात मृत्यु के देव यानी आपसे टकरा गए और आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के पश्चात मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है पिताश्री के एक प्रहार करके आप मेरे भी प्राण ले लीजिए। अगर तुम चाहते हो पुत्र कि हम प्रहार करें तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। लो, हमने प्रहार कर दिया, परंतु हमारा यह प्रहार जीवनहारी नहीं जीवनदायक है। यमराज के उस प्रहार से अंगड़ाई लेकर खड़े हो गए थे सभी सुपर हीरो। कमराज मानो खुशी से पागल हो गया। पिताश्री, पुत्र, एक पिता भला अपने पुत्र की आंखों में आंसू कैसे देख सकता है? और फिर इनकी मृत्यु आई कहाँ है? इन्हें तो अभी बहुत जीना है और पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा करते रहना है। पुण्य के रक्षक एक बार फिर जीत गए थे, जबकि पाप के अनुयायी तू भी अपने पुरखों की तरह मूर्ख है। अगर तू मृत्यु पाश को वश में करने वाला विचित्रासुर को भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाता तो यमराज की स्मृति को मुक्त होने का अवसर कभी ना मिलता। तू तो मुर्गा बनने के ही लायक है, और इस बार तू सहस्त्रों शताब्दियों के पश्चात भी सीधा नहीं हो सकता। पिछली बार तूने अप्सरा बुलाकर मुझे अपने ऊपर से उठाने की जो योजना बनाई थी वह इस बार सफल नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार मैं एक अप्सरा को ही साथ लेकर तेरे ऊपर बैठा हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।